मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अकबर हो गया था, अकबर अकबर के बाद पैदा हुए जहांगीर। जहांगीर किसके बेटे थे? जहांगीर जोधा बाई के ही बेटे थे। ठीक है, अकबर की बीवी थी जोधा बाई, अकबर की कई बीवियाँ थी बट जोधा बाई के बच्चे थे जहांगीर, ऑल्सो नोन एज सलीम। अगर आपने वो सलीम वाली कहानी सुनी हो, प्यार वाली, जिसमें उसको शायद दीवार में चुनवा दिया जाता है, तो वो सलीम यही होते हैं। पूछा नहीं जाता, हम ऐसे ही बता रहे हैं केवल। इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई अलग अलग तरीके के गोल्डन पीरियड कहे गए हैं इंडियन हिस्ट्री में। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है जहांगीर के टाइम को। मंसूर था इनके समय में एक इंसान जो 3D बर्ड ड्रॉ कर सकता था। सो ये हो गया। इन्होंने एक आर्ट डिपार्टमेंट स्थापना की थी, उसका उसका नाम था चित्र साला। ओके, पर हमने उसको इंग्लिश में आर्ट डिपार्टमेंट लिखा है, चित्रशाला आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये हो गया। नोन फॉर जस्टिस, ये जस्टिस बहुत अच्छे से करता था, मतलब बिल्कुल जैसे नहीं निष्पक्ष हो के। इसने 12 ऑर्डिनेंसेस लिए थे पब्लिक इंटरेस्ट में। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं कि एक संविधान, जैसे एक कोई चीज़ है लिखित है तुम्हारे, क्या अगर कोई खाना परसेगा तो वो मम्मी परसेंगी। अब इसको बदलने के लिए तुम्हें पापा से कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। जब आप उस प्रथा को पूरा ना चेंज करके केवल एक सेक्शन ऑफ चेंज करते हैं किसी के ऑर्डर से, उसको बोलते हैं ऑर्डर, समझे? ऑर्डर मतलब ऑर्डिनेंस। तो 12 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए इनके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में, कि चीज़ों को चेंज कर दिया गया। नूर जहाँ इनकी बीवी थी, अरे हम लिखा क्यों हुआ? इनका काफ़ी ज़्यादा वो था, लाइक हस्ताक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये थोड़ा शुरुआत से ही प्यार में रह गए थे। जहांगीर प्यार इंसान को ख़राबी कर देता है, जाहिर सी बात है, मजाक कर रहे थे मतलब इनको। अच्छा देखो, बराबर वाले से प्यार करोगे तो ठीक भी है, अब तुमने किसी नीच जाति से प्यार कर लिया है तो कहाँ ही शादी होगी आपकी। हमेशा प्यार करें तो अपने उसमें करें, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, वैश्य हैं तो वैश्य, और सिंह है तो सिंह, अपने इसमें शादी वो करिए। ये शेर खान की पहली बीवी थी, पर शेर खान को जब हरा दिया तो इन्होंने उससे शादी कर ली। अच्छा, बड़े बड़े राजा सुंदर पत्नियां लाते थे, तो दूसरे राजा जब उन पर हमला करते थे तो सबसे पहले उनकी बीवी अपनी करते थे। इन्होंने अपने बाप के लिए, नूरजहाँ ने अपने बाप के लिए इत्मतदुल्लाह टॉम बनवाया था आगरा में। अभी हम कुछ दिन पहले आगरा गए भी थे बट हम वहाँ जा नहीं पाए। इत्मतदुल्लाह टॉम, ये पिछले साल पेट में शायद पूछा गया था, पिछले साल पेट में या लेखपाल में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बट ये किसी को पता ही नहीं होता। तो इत्मतदुल्लाह टॉम किस में बनवाया गया था? इनकी नूरजहाँ ने अपने बाप के लिए बनवाया था, आगरा में है। फिर ये मर जाते हैं, इनके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का चाइल्डहुड नाम होता है खुर्रम। ये भी एक हिंदू बेटी, हिंदू के ही लड़के थे। जहांगीर की बीवी का एक नाम था जगत गोसाई, जगत गोसाई जो डॉटर थी राजा उदय सिंह की, मोटा राजा उदय सिंह, उनके बेटे थे शाहजहां। तो ये सोचो कि अकबर, अकबर के बाद से सारे जो हुए, जहांगीर और शाहजहां दोनों हिंदू के ही बच्चे थे। तो इनकी माँ का नाम था जगत गोसाई, जो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। इनको शाहजहां नाम तब मिला था जब इन्होंने साउथ इंडिया में जीत हासिल की थी, आफ्टर हिज विक्ट्री, सॉरी इन साउथ इंडिया। ओके, अब ध्यान दो, हमने क्या कहा था गोल्डन पीरियड कई बार आएगा। इनके समय को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, क्योंकि उन्होंने बहुत बिल्डिंग्स बनवाई, और सबसे बड़ी बिल्डिंग शाहजहां के द्वारा जो बनवाई गई वो थी ताजमहल। ओके, तो गोल्डन पीरियड ऑफ, इसको हम लाल कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, स्टाइल रेड। ओके, थोड़ा सा अलग से दिखेगा आप लोगों को। अच्छा, इन्होंने ताजमहल बनवाया था किसके लिए? अपनी मुमताज़ महल के लिए। मुमताज़ महल इनकी सेवेंथ वाइफ थी, इन जिनका नाम अर्जुमंद बानो भी था, ये ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो या मुमताज़ महल, अर्जुमंद बानो मेरे काम।
जो मर गई थी अपने 14वें बेटे को जन्म देते वक्त, वाइल गिविंग बर्थ टू हर 14th चाइल्ड। ओके, तो भाई देखो प्यार जैसा भी हो, प्यार तो प्यार होता है भाई, 14वां बच्चा हो चाहे 15वां बच्चा हो, यही तो प्यार की निशानी कि उन्होंने 14 बच्चे एक साथ कर लिए। अब इनके चार बेटे हुए, सुजा, मुराद, दारा सिखो, औरंगजेब। ओके, औरंगजेब सबसे यंगेस्ट था। इन्होंने क्या बनवाया, मयूर थ्रोन, मयूर सिंहासन, इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, सिंहासन जैसे लिखा जाता है हिंदी में, समझ लीजिए सिंहासन। जो इसका आर्किटेक्चर कौन था, बेबादल खान। अच्छा ध्यान रखिए, जब मयूर मयूर थ्रोन बना था, तो जैसे ये सब जब कुछ थ्रोन वोन्स बनते थे ना, तो इसमें हमेशा से लगता था कि जो चमकदार सितारा है, उस चमकदार हीरा है, उसको ऊपर रखो। तभी भारतीयों ने वो कौन सा पत्थर था जो इंग्लैंड के पास, जो भी पत्थर, अभी हमें नाम नहीं याद आ रहा, इसीलिए भारतीय उस पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो चमकदार नहीं था। देखो हमने ऐसी बात बताई। ताजमहल किस का आर्किटेक्चर कौन था, उस्ताद ईसा खान। ये बहुत आता है क्योंकि इसके जैसा ही नाम एक है, उस्ताद खान, उस्ताद बेगल खान या बादल खान कुछ है, उस्ताद बादल खान है, हाँ उस्ताद बादल खान, ऐसे एक नाम है, ऑप्शन में दे देते हैं आप फंस जाएंगे, तो उसका नाम है उस्ताद ईसा खान। रेड फोर्ट एट दिल्ली, जो लाल किला है वो, और मोती मस्जिद एट आगरा, इन्होंने बनवाई है। ठीक है, शाहजहाँ को औरंगजेब एक किले में बंद कर देता है, वो किला क्या है, ताजमहल के ही एक चार जो वो बने हैं इसके पिलर्स, उसके एक पिलर में उन्हें बंदी बना लेता है। दारा सिकोह को कहा जाता है, अगर वो बंदी बन गए तो दारा सिकोह राजा बन गए, तो औरंगजेब ने दारा सिकोह से लड़ाई की। बैटल ऑफ धर्मट, इसे धर्मट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सामूगढ़, और इसे पढ़ेंगे देवरई, 1657 58 58। ठीक है, इजी है, इसमें कोई वो नहीं, इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, धर्मट, सामूगढ़, देवरई, सारी औरंगजेब के द्वारा जीत गई। और देवरई में जब जीत गए, तब इन्होंने दारा सिकोह और इनके दो बेटे सूजा और मुराद का सिर काट के शाहजहाँ को कैदखाने में भिजवा दिया कि देखो तुम्हारे तीनों बेटे का सिर देखो, अब मैं राज करूँगा। औरंगजेब राज में आता है, औरंगजेब वॉज द क्रूएलेस्ट, क्रूएलेस्ट नहीं गलत है, सबसे क्रूअल कहा जाता है औरंगजेब को, क्योंकि अकबर को, क्योंकि अकबर को हर दिन अपने सोते समय एक कुंवारी लड़की चाहिए होती थी, शायद जो 16 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, हर रात, हर रात, समझ सकते हैं आप कितनी हिंदू लड़कियों के साथ। तो अकबर वॉज द क्रूएलेस्ट, बट हम लोगों के, उन लोगों ने अकबर को इतना महान दिखाया, इतना महान दिखाया कि आज भी हम लोग बुलाते हैं अकबर महान। नहीं, अकबर महान नहीं था, अकबर हराम ही था। तो इसका नाम था आलमगीर और जिंदा पीर, ये एक तरीके से टोना टटका जानता था, क्योंकि जिंदा पीर इसका इसलिए नाम बड़ा था क्योंकि ये डेड बॉडी से कॉन्टैक्ट कर सकता था। इसने शिवाजी को पकड़ लिया था, उनको जयपुर महल में कैदी बना के रख दिया था। इसने कई चीज़ें बैन कर दी थी, म्यूज़िक, जरोखा दर्शन, नवरोज, नवरोज अगर आपको याद हो तो बलबन ने स्टार्ट किया था। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद आएगा, जब ऐसे जैसे हम लिखवा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐसे, अरे हटो यार, ऐसे एरो बनाओ, लिखवाओ, ऐसे लिख दो स्टार्टेड बाय बलबन, कि तुम जितनी बार देखोगे तुम्हें याद होगा। तुलादान, तुलादान अकबर ने स्टार्ट करवाया था। इरीगेशन ऑफ हेम्प, भांग की खेती इसने बंद करवा दी थी। कार्विंग ऑन कॉइंस, कुलमा खुदवाया जाता था, जैसे कुलमा, कुलमा यहाँ लिख दें हम, कुलमा मतलब मुसलमानों में कोई लाइन होती होगी जैसे दोहा हुआ, उसको खुदवाने की प्रथा इसने बंद करवा दी थी कि नहीं ये नहीं होगा, ये सब इसने बंद करवा दिया था। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है नवरोज और तुलादान, कि नवरोज किसने शुरू किया, बलबन ने, बंद किसने किया, औरंगजेब ने, तुलादान किसने शुरू किया, अकबर ने, बंद किसने किया उसने। ठीक है, इसने गुरु गुरु तेग बहादुर को, संस को मार दिया था, और गुरु गोविंद सिंह को मार दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ये लाइन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1707 में मर गया ये, और इसको गाड़ दिया गया था टॉम्ब ऑफ शेख जैम उल हक। ठीक है, अब इसके बाद के कोई भी राजा इम्पोर्टेंट नहीं है। दो राजाओं के नाम बता दें, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड आते हैं, जिन्होंने राजा राम,
मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने? ये क्वेश्चन आता है। सबसे लास्ट आते हैं बहादुर शाह जफर, ये हैं इसके लास्ट रूलर मुगल पीरियड के, तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आते हैं मॉडर्न में, जिसको हम मॉडर्न में पढ़ाते, बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिए, ये और ये, ठीक है। बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 को लीड किया था, 1857 की जो लड़ाई थी उनको इसने लीड किया था, और ये हो गया, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ हमने लिखवा चुके हैं। अच्छा, तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी 1526, बाबर वॉन। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू 16, आई एम अनेबल टू गेट दैट ईयर, अभी हम बता रहे हैं, अकबर ने इसे वॉन की थी। थर्ड लड़ी गई थी, थर्ड पानीपत, मोहम्मद शाह अब्दाली के द्वारा, मोहम्मद शाह अब्दाल, मोहम्मद शाह अब्दाली, अब्दाली ना, वर्सेस मराठा थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मोहम्मद शाह अब्दाली ये जीत गया था, ठीक है। तो तीनों बार आपको सिंपल सी बात है, मुसलमान ही जीता था, मुसलमान, अरे यहाँ जैसे इन दो में तो मुसलमान एक ही तरफ है, इसमें तो दोनों तरफ है, बाबर तो आपको पता ही, अकबर भी होता है, मोहम्मद शाह अब्दाली। ये कब हुई थी यार, ये इसका भी ईयर अच्छा है, 1700 में कुछ हुई थी ये, आई थिंक 1736 के आसपास हुई थी, इसका भी हम ईयर बताते हैं, पर ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।